बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। की हाल साडे भैण भरा दा? उम्मीद करदा सारे साडे भैण भरा ठीक हो। असीं ठीक अलहमदुलिल्लाह, अल्लाह दा शुक्र है। ते ठीक नहीं हैगी अज बेगम, नहीं हैगी ते नाया फातिमा, ते दानिश नहीं ठीक हैगा। अज दादी नूं दोनों जोड़ा चिंबड़े पै गए। मैं वीडियो शुरू कर लगी कहंदी आ बाजा खुल गया। नहीं जान जान कर वाला पाउण लई जान कर हुंदी नहीं, जान कर वाला पाउण लई जान के शोर पाउण लई है। ते मेरे भाई आया सीगा ते हुण अमरी मेरी चाय बना के हटी है। चाय पी के जो भी अज मैं खाने तैयार करूंगी अपने भैन भरा शेयर करूंगी। अल्लाह पाक मेरे भैन भरा तंदुरुस्ती देवे, सेहत देवे, आमीन सुमामीन। ते मैनूं डर वा के मेरे कप दे उत्ते अंडे डिग पए। गाजरा मैं अच्छी तरह वॉश कर लिया, थ्रू अच्छी तरह छुरी दे नाल भी घरोल लिया ते साफ कर लिया। साफ करके फिर अच्छी तरह हम बना लैनी हूँ, बना के फिर नाल दूसरा समान भी तैयार कर दी करके ते फिर खाना बनाने नाल अपने भरावां नाल शेयर कर बना के मैं रख दी सी। तो चाय पी के मेरे भाई भी चल गया, मेरे भाई आया हुआ सगा। तो इन्हों ना मैं तोड़न आई हाँ मेथी, तो पालक तोड़न आई सी। मेथी तो बिल्कुल खत्म ही हो गई है, बूटे दोबारा कटन लाया तो थोड़ी पालक कटनी है। नहीं इन्हों पानी भी लाओ। हाँ जी। तो नहाने सामने बैठे इतने अगे अभी मंजे टाया मेहमान आए थे। हाँ जी। क्योंकि असं महल वाले सारे कट्ठे किए हुए थे। सही है। कोई साढ़े सलाह मशुरा चल रहा सीगा, क्योंकि इलेक्शन आ गया ना। अच्छा। इस वजह तो फिर सलाह मशुरा चल गया, चल रहा सीगा। तो सियासियों ने आना है। अच्छा। जरा साडा कैंडीडेट इतने खड़ेगा। हाँ जी। वो फिर इस वजह तो सलाह मशुरा किया गया सारा। सही। हम इतने वोट किनू देने है। हम देखते हैं नून लीग देने पी टी आई नहीं देने है। जिधर साढ़े भैन भरा सारे कहे महल वाले फिर अभी उधर देने है। चगाठा तीन चार दिन हो गए इथे लगे थे कारी चगाठा बनाई है। बूटा भी सेहतमंद है। हुण इहदी पानी की तैयारी करते हैं। तुसीं इस तरह करो ना, एक बार इहनूं ना पा दिओ दूसरा सुबह सारी नूं सुबह सेड़ दिओ, मैनूं पानी लावां। तो मूंगरे भी माशाल्लाह साडे जबरदस्त होई आउंदे आ, क्योंकि बाजार ते मेरे भैण भरा मूंगरे बहुत महंगे आ। सब्जी है महंगी बहुत सब्जी। हाँ जी, 600 रुपये किलो दे रहे मूंगरे। 500 नूं 600 नूं, जिहड़े एक आ उह 500 नूं दे रहे, एक 600 किलो दे रहे सीगे। धनिया उरली वाट वाले माशाल्लाह काफ़ी सारा हो चलेगा उरली वाट वाला। उतों तुसीं सवार के वड्या करो, तुसीं सही वड्या ने। मैं दाती ना उतों रगड़ रगड़ कीता तां तां उड़न डिया आ। अच्छा जी, मैं हुण पालक ते दूसरा भुक्का वगैरह तोड़ के घर आ गई सी। अग चालू की सी, अग जलनी डी सी, मोटियां लकड़ां नूं जल्दी जल्दी अग नहीं लगदी हैगी। ते बरीक चार उत्ते लकड़ां रखियां, चल जल्दी जल्दी इहनां चालू हो जावे अग, ते फिर खाणा मैं जल्दी बना लवां, नहीं रग हो जाणा। ते जे लाइट भी साडे कम्म थोड़ी जी लगी हुई है, अदरक लसन का पेस्ट पहले सब तो पहले तैयार कर दे। अग चालू हो जाती है, अदरक लसन का जल्दी जल्दी पेस्ट तैयार कर दी। अच्छी तरह चालू हो जाती, सब्जी मसाला अच्छी तरह वाश कर ली है।
ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਵੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਪਾਲਣ ਤਵੀ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਰੋਟੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬਣਾ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਦੇਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹਜੇ ਚੱਪੇ ਗਏ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਤਵੀ ਨੇ ਆ ਪਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤਵੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤਵੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਹੇ ਵਾਲੀ ਕੁੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਧੁੱਪ ਲਿਆ ਕੇ ਜਗਾਲ ਜਾ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ कढ़ाई रख दी है क्योंकि अग नहीं जलन मैं हांडी छेती फिर सेक नहीं लगना कच्ची हांडी चलो फिर कढ़ाई में ही तैयार कर लेनी फिर हम कढ़ाई ना रखी है घेवे में फिर मिक्स कर दिता वा अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना लिया वा तो घे अच्छी तरह गर्म हो जाता वा तो फिर प्याज पा देने प्याज उन्हें चिकन में टमाटर कट लेनी है ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਿਆਜ਼ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਡਨ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਗੋਲਡਨ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਦਾ ਪੇਸਟ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਿਆਜ਼ ਗੋਲਡਨ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੱਗੀ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਦਾ ਪੇਸਟ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਈ ਉਹ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਨਸੀਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਸੀਬ ਦਾ ਨਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਨਾਲ ਟਮਾਟਰ ਸੁਸਿਦਾ ਹੈ ਮਾਰਾ अच्छा जी मरियम बेटी गुन रही आटा मैं खाना जल्दी जल्दी बनाई जानी मरियम आटा गुन रही फिर रोटी तवी ते ला लेंदी हां मैं झूले च पा के इन्ने झूले दिते कुड़ी सुती नहीं अच्छा जी हम मैं मिक्स कर लगी पाउडर मसाले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बार मेहमान आया बुआ खड़का लगी अच्छा जी मैं मदानिश आया अल दूसरा रेड मिर्ची का पाउडर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल्दी का चम्मच नमक अच्छी तरह मसाले नू दो मिनट की मसाले की बनाई कर दी अच्छा जी मसाला अच्छी तरह फ्राई हो चुका वह हम मिक्स कर लगी हैं आलू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले सब तो थोड़ी आलूओं की बनाई कर दी अच्छा जी आलू बिच मिक्स कर दिते हम मिक्स कर लगी हैं गाजर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़ा जे बिच मिक्स करो पानी क्योंकि गाजर थोड़िया सख्त थोड़िया सॉफ्ट हो जाएगी अच्छा जी पालक और हरिया भूखा इन्हें मैं कट लिया कट के तो मैं अच्छी तरह धो के लै जाऊँ जो मिट्टी वगैरह सारी हाथ मार के इस तरह सारी निकल जूगी इन्हें भी धो लें हरिया भूखा कट लें हरिया भूखा धनिया सारी तरह अच्छी तरह वॉश कर लेनी वॉश करके तो चल के बिच मिक्स कर दें अच्छा जी मरियम बेटी जल्द जल्द रोटी बनाई जान डी छे छे रोटी बना लेंदी हाँ जी बहुत औखी आ गई जल्दी जल्दी रोटी बना लेंदी रोटी बना के उन्हें हांडी बन के तैयार हो जाती है तो सारे फिर रोटी खाने तो अनाया फातमा देखो जी अनाया मेरे भैन भाई डिगण लगी सी तो फिर मैं सैट करके बिठाई आ तो हम बैठी खेड डी है तो कुर्सी चाय चेयर ये कंधे जोड़ता खेडी जा ना मम्मा आप रोटियां पका देखती है तो नाले है ना खेडन डी
अच्छा जी हड्डी भी बन चली है ते हुण विच मिक्स कर दिंनी आ हरा धनिया भूकां बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ते नाल मिक्स कर दिंनी आ पालक बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अद्धी की हांडी पक गई है ते अद्धी की रहिंदी मैं कहा चलो हुण नाल लैणा थोड़ी थोड़ी कसर रहिंदी है ते मैं कहा चलो नाल लैणा हुण मिक्स कर दिंनी आ विच पालक भी भूकां भी सारी सब्जी ती अच्छी तरह बन के तैयार हो जूगी। अच्छा जी मेरे भैन भाई माशाला खाना बन के तैयार हो गया हांडी बन गई माशाला बहुत प्यारी सोहनी आलू गाजरा बन चुकी है। अच्छा जी जी मेरे हाँ जी मेरे भैन भाई इतने साड़ी आई जी वीडियो अगर जो मेरे भैन भरावान पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कर दियो कमेंट सानू जरूर दसी अपनी दुआवां सन बोया याद रखियो असं भी अपने भैन भरावान हर टाइम याद रखते लाभ मेरे भैन भरावान तंदुरुस्ती देवे सेहत देवे भगवान ने शिफा देवे जो बेरोजगार अलग अलग तफसीला देवे जो बिगलाद अलग अलग साल की औलाद देवे तो जिन्हें मेरी यूट्यूब फैमिली है अल्लाह पाक सब तंदुरुस्ती और सेहत देवे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सानू इजाजत अल्लाह हाफिज़।